वीर दोनों समकालीन थे। सेम टाइम भगवान बुद्ध का जो वर्थ था 563 और डेथ 483, महावीर का 540 और डेथ 468, 72 महावीर 80 बुद्ध। तो जब बुद्ध ने 29 के एज में जब अपने हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, तो वो इस स्थान पे आए थे। उस समय इस जगह का नाम था अम्रवन, अम्रपावारिक वन। यहाँ के बाद चले गए वेणुवन, राजगीर, फिर चले गए मध्य प्रदेश बोधगया, और बोधगया में इनलाइटमेंट मिली। और जब इनलाइटमेंट मिली तो यहीं से दो शिष्य लिए, क्योंकि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल थे। 2 डिसाइपल नालंदा, शारीपुत्रा एंड महामुगलायना। महामुगलायना बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के क्रम में दत्त कर गए मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे उनका ऐश को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। जो आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया बोलती है कि एशिया का वो बिगेस्ट स्तूप। शारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई। समझ रहे हो ना, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, जिस डे वर्थ उसी दे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। हुआ यूं, भगवान ने बुद्ध ने पूछा था शारीपुत्र से कि शारीपुत्र अपने शरीर को त्यागना कहाँ पसंद करोगे, तो शारीपुत्र ने बोला था कि मैं अपने घर पे त्यागना पसंद करूंगा। चूंकि भगवान ने बुद्ध से उम्र में बड़े थे, इच्छा मृत्यु थी। तो जब बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करते हुए आ रहे थे, तो अपनी माँ को दीक्षा देने के लिए उसी कमरे में गए जिस कमरे में जन्म। अपनी माँ को दीक्षा देने को उपरांत उसी कमरे में अपने शरीर को त्यागा, तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। तो सारी पुत्र को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, मेरे हाथों को देखना, वो लोकल लोग ने बनाया। सेकंड में जो बनाया बौद्ध भिक्खु मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, अब फोर्थ में सम्राट अशोक आ गए 3 BC में, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बनाकर जो अभी अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोक। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्खु लोग रहने लगे, और वो दो काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। समझ में आ रही बात ना। बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध, क्या हो गई, 16 महाजनपद जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध पर शासन कुमार गुप्त को आया, तो उन्होंने देखा है तो बौद्ध विहार है, इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार, यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी। तो 10/5 जो मैंने बोला कि 5th century 413 में एस्टेब्लिश हुआ। समझे गए। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं, ये सारी पुत्र स्तूप हो गई। क्या हो गई, सारी पुत्र को ऐश को अस्थि को रख कर यह स्तूप बनी। ये 7 time में बनी, 4 underground। कितने टाइम में बनी, 7 time में, 4 underground, एक लोकल, 2 monks, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। और ये जो सीढ़ी देख रहे हो, फर्स्ट सीढ़ी जो देख रहे हो, ये कुमारगुप्त, वहां तक कुमारगुप्त। जब हर्षवर्धन आए, तो वो जो बिल्कुल लास्ट दिखाई दे रही है, वहां तक हर्षवर्धन, और इसके ऊपर देवपाल। समझे गए। जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मन्नते मानते हैं, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग शारीपुत्र के समीप जो मन्नते मानते थे, मन्नते पूरी होती थी, ते सब मनौती स्तूप, इंग्लिश में बोलेंगे भोटी वस्तुपा। समझे गए ना। इधर वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा, तो जब 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर्स लोग रहा करते थे, तो डेथ भी होती थी ना, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं थी। तो उस टीचर्स लोग का ऐश को सारी पुत्र के समीप में रखकर ये सब स्तूप बना दी जाती थी। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग ये सब ग्रास पर बैठ कर करके सारी पुत्र को वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना। क्यों करते हैं पूजा अर्चना, तो वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारी पुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर। सार तत्व मेरा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अगर ये सारी पुत्र स्तूप न होती, तो न ये विहार होता, न यूनिवर्सिटी होती। डूटो सारी पुत्र के वजह से अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया। उसके बाद AD आई, तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिली, तो 10/5 में चला गया। तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे सारी पुत्र स्तूप ही देखोगे। समझे गए। आगे चले। अमित
स्वर्णी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि वहीं से स्वर्ण मुद्रा आ गई, आर्ट कला की पढ़ाई आ गई, उद्योग व्यापार चहुमुखी विकास हुई, इसलिए गुप्त पीरियड को हिस्ट्री में स्वर्णी युग कहा जाता है। तो सिस्टम एक तरफ अध्ययन और दूसरी तरफ अध्ययन। यहाँ जो खुदाई में मिली जला हुआ चावल, इतनी बड़ी बड़ी दो मटका, गुप्त पीरियड का मुद्रांकन, सम्राट अशोक का लोगो, पात्र, बहुमुखी कलश, शिलालेख, राजदंड और गुप्त पीठ से पालापीठ तक का पिक्चर, हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच, मेटल और स्टोन, जो अपोजिट साइड म्यूजियम में देखने को मिलेगा, वहाँ 5 रुपये का टिकट लगेगा, फुल्ली एसी है, बिलो 15 वहाँ भी फ्री है। ओके, अब हमारी सेवा यहीं पे समाप्त होती है, क्लोज होती है। जो मैंने एक मोनास्टी दिखलाया, इसी तरह जो रेडियो जो बोर्ड लगा हुआ है, 11 मोनास्टी हो गई, ये साइड में 4 टेंपल हो गई। ओके, इधर जो है ऊंची ढीवी आ जाएगा ना सर, लाइब्रेरी कहाँ से आया? वाली 7 सेंचुरी क्या देख रहे हैं? ये सब सारा स्टूडेंट्स का कमरा, वो बिग कमरा, टीचर्स कमरा, ये लेक्चर सीन, ये किचन उन्होंने, और वो लेबोरेटरी, ये वाटर वेल, और एक ही ना, और एक ही ना इधर पूजा मुझे, ये पार्ट ओपन नो बिल्डिंग मिसनेम, ये वाली समझे दादा। अब आप लोग को देखना होगा तो उसको देख सकते हैं, वो जला जला है, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंक्लूड हो गया है। ये उन 50 दे दीजिए सर। अरे ग्रुप ग्रुप फोटो सवाल ले ले, तापर पचास दीजिए।